बात करते हैं सैटर्न के बारे में कि सैटर्न कुंडली के फोर्थ हाउस में क्या काम करता है। फोर्थ हाउस का संबंध हमारे सुख से है, जो भी चीज हमें सुखी करती है उसका संबंध फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस यानी प्रॉपर्टी, फोर्थ हाउस यानी होम, फोर्थ हाउस यानी मदर, जहां आपका जन्म हुआ है वहां के लोग, आपसे टेंथ से ट्वेल्थ तक की आपकी एजुकेशन, और फोर्थ हाउस वो एनवायरनमेंट है जहां आप पल के बड़े होते हो। फोर्थ हाउस का संबंध चीजों से है। दूसरा, फोर्थ हाउस का संबंध हमारे कंफर्ट से है, जो भी चीज हमें सुख दे, जैसे गाड़ी हो गया, जैसे घर हो गया, एसी हो गया, फर्नीचर हो गए, और भी जो चीज हमें जो सुख देती है उसका संबंध फोर्थ हाउस से। तो शनि जब कुंडली के फोर्थ हाउस में आता है तो फोर्थ हाउस की चीजों को डिले कर देता है, फोर्थ हाउस की चीजों को फ्रीज कर देता है। जो सुख है हमें वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता बचपन में। हमारा जो बचपन का जो हमारा टाइम है वो बहुत ही प्रॉब्लम से कटता है। कई बार क्या होता है कि अर्ली लाइफ में मदर एक्सपायर हो जाती हैं, कई बार क्या होता है कि अर्ली लाइफ में फादर एक्सपायर हो जाते हैं। किसी भी तरीके से जो हमारा सुख है उसमें कोई ना कोई दिक्कत जरूर आती है। या अगर आपके मदर फादर हैं तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन में रहना पड़े, क्योंकि सैटर्न का काम है रूल्स एंड रेगुलेशन को देना, सैटर्न का काम है फियर को देना, सैटर्न का काम है एंजाइटी और टेंशन को देना। फोर्थ हाउस में सैटर्न, हो सकता है कि आपकी मदर के अंदर ऐसी आदतें हों जिसको आप लाइक ना करो। आपकी जो मदर होंगी वो बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगी, हो सकता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको भी फॉलो करना पड़े। आपको टाइमली स्कूल जाना पड़े, आपको टाइम से खेलना पड़े, आपको टाइम से खाना पड़े, आपको टाइम से सोना पड़े, जगना पड़े, बहुत सारी चीजें होती हैं अगर सैटर्न कुंडली के फोर्थ हाउस में होता है। दूसरा, अगर सैटर्न फोर्थ हाउस में है तो हो सकता है आपको अपना घर बनाने में काफी टाइम लग जाए। हो सकता है कि लाइफ के अर्ली पीरियड्स में आपका घर ना हो और जो घर का सुख है वो आपको थोड़ा सा 35 के आसपास या उसके बाद मिलना शुरू होता है। या आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, या आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, या कोई आप अपना फ्लैट लेना चाहते हैं, या सुख से जो भी चीजें हैं जो सुख से संबंध रखती हैं अगर आप वो लेना चाहते हैं तो उसमें सैटर्न डिले कर देता है। सैटर्न की तीन दृष्टियां होती हैं। सैटर्न की पहली दृष्टि तीसरी होती है, सैटर्न की दूसरी दृष्टि सातवीं होती है, और सैटर्न की तीसरी दृष्टि दसवीं होती है। सैटर्न की तीन दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। सैटर्न जहां भी बैठता है वहां से अपने अपने घर से तीसरे घर को देखता है, और अपने घर से सातवें घर को देखता है, और अपने घर से दसवें घर को देखता है। सैटर्न अगर कुंडली के फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस से सैटर्न आपके सिक्स हाउस में देखता है। सिक्स हाउस में सैटर्न अगर देख रहा है तो सिक्स हाउस में देखने के कारण हो सकता है कि आप किसी पुलिस सर्विस में आप चले जाएं, आप किसी मिनिस्ट्री सर्विस में चले जाएं, आप किसी ऐसी सर्विस में जाएं जहां पब्लिक की सर्विस आपको करनी पड़े, पब्लिक की सेवा करनी पड़े, जैसे आपका डॉक्टरी लाइन हो गया, आपका लॉ हो गया, और गवर्नमेंट से संबंधित जो भी काम होते हैं, MCD हो गया, इन सब चीजों में आपको जॉब करना पड़ सकता है, या उन चीजों से संबंधित आपको कोई ना कोई काम मिल सकता है। मेडिसिन हो गया, मेडिसिन का भी संबंध सिक्स हाउस से है। सिक्स हाउस का संबंध कोर्ट वगैरह से है, हो सकता है आप लॉयर बन जाएं, हो सकता है आप जज बन जाएं। तो ये सारी चीजें सैटर्न जब कुंडली के सिक्स हाउस को देखता है तो ये सारी चीजें इंसान के अंदर आ जाती है। वहां से सैटर्न आपके टेंथ हाउस को देखता है। टेंथ हाउस है आपका रेपुटेशन हाउस, टेंथ हाउस है आपका वर्क एनवायरमेंट, टेंथ हाउस आपकी पहचान है, टेंथ हाउस आपका फेम है, टेंथ हाउस आपकी अथॉरिटेटिव पावर है, और टेंथ हाउस का संबंध घर से बाहर की चीजों से, जैसे बिल्कुल घर के अपोजिट,
घर में हम आराम करते हैं, सोते हैं, तो 10th हाउस में हम जाके काम करते हैं। जो भी हमारा सम्मान होता है, जो भी हमारा नाम होता है, हमारी पहचान होती है, जो भी हमारा वर्क एनवायरमेंट होता है, उसका संबंध 10th हाउस से है। हमारे फादर का संबंध 10th हाउस से है, बिकॉज 4th हाउस मदर, तो 4th हाउस के अपोजिट फादर। और जो भी चीजें हमें फादर से सीखने को मिलती हैं, उसका संबंध भी 10th हाउस से है। तो 10th हाउस को जब शनि देखता है तो 10th हाउस की चीजों को भी डिले कर देता है। यानी आपको अपना नाम, अपना फेम, अपनी पहचान बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये आसान नहीं होगा कि आप अपना नाम बना पाए, ये आसान नहीं होगा कि आप अपनी पहचान बना पाए। और जो भी आपका वर्क है, जो भी आपका वर्क एनवायरमेंट है, या जो भी आप काम करते हो, उस काम में भी आपको काफी दिक्कतें आएंगी। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, कंपनी के अगर कोई आपके बॉस हैं, तो बॉस आपके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी बर्डन डाल देंगे काम को लेकर, बिकॉज सैटर्न जो है वो आदमी को रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाता है। सैटर्न आदमी को मेहनत करना सिखाता है। सैटर्न दिखाता है कि लाइफ की रियलिटी क्या है। सैटर्न इंसान से काफी मेहनत करवाता है, काफी मेहनत करवाने के बाद इंसान को रिजल्ट देता है। तो 10th हाउस को जब सैटर्न देखता है तो कई बार आपकी और आपके फादर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में मिल नहीं पाती। जो सोसाइटी है उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होने देता सैटर्न। अब सैटर्न 4th हाउस से आपके फर्स्ट हाउस को देखता है, यानी लगन को, यानी एसेंडेंट को। एसेंडेंट का संबंध हमारे परफॉर्मेंस से है, एसेंडेंट का संबंध हमारी आइडेंटिटी से है, हमारी पहचान से है। जो भी हम रिएक्ट कर रहे हैं, जो भी हम एक्ट कर रहे हैं, पब्लिक को जैसे हम दिखते हैं, जो भी हमारी पहचान है पब्लिक के सामने इंडिविजुअली, हमारी जो आइडेंटिटी है वो कुंडली का फर्स्ट हाउस है। हमारा जो नेचर है वो कुंडली का फर्स्ट हाउस है। हम जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से चलते हैं, जो भी हमारा लहजा है वो कुंडली का फर्स्ट हाउस है। तो सैटर्न जब कुंडली के फर्स्ट हाउस को देखता है तो फर्स्ट हाउस को देखने के कारण आदमी बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। इंसान के अंदर एक फियर होता है, इंसान के अंदर ये फियर होता है कि अगर मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा ना करूं, जो कि मुझे दिया हुआ है, जो कि मुझे समाज से मिला हुआ है, जो कि मुझे अपनी फैमिली से मिला हुआ है, जो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अगर मैं उसको पूरा ना करूं तो कहीं ये ना हो कि मैं सर्वाइव ना कर पाऊं। तो इंसान बहुत ज्यादा फियरफुल होता है। ऐसे लोग बहुत ही टाइम से काम करने वाले होते हैं, बहुत ही रूल ओरिएंटेड होते हैं, समय से उठना, समय से जगना, ये सारी चीजें सैटर्न हमें कुंडली के फर्स्ट हाउस में देता है। दूसरा कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी और हमारी बॉडी, बॉडी शेप। तो सैटर्न जब आपके फर्स्ट हाउस को देखता है तो आप बहुत ही अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। आप ऐसे महसूस करते हैं कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे और लोगों की जो पहचान है, और लोगों का जो नाम है, मेरा नाम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एक खास बात है, जब सैटर्न जिस भी घर को देखता है या जिस घर में होता है, उस घर से संबंधित चीजों को लेकर इंसान थोड़ा सीरियस हो जाता है। कहीं ना कहीं उन घरों से आपकी जरूरत जुड़ी होती है। आपका जो जन्म है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के लिए हुआ है। जैसे सैटर्न अगर 4th हाउस में बैठा है तो आपकी होल लाइफ अपने सुख को ढूंढने में लगी रहेगी। अब सैटर्न 6th हाउस को देखता है तो 6th हाउस हो गया आपका, आपका वर्क एनवायरमेंट आपका हो गया, जो डेली का आप काम करते हैं, जो भी आप पब्लिक के बीच में जो जाके काम करते हैं,
या जो भी आप कंपटीशन करते हैं उसका संबंध सिक्स हाउस से है, तो आदमी का सारा फोकस इन चीजों में लग जाता है। सिक्स हाउस का संबंध मेडिसिन से है, सिक्स हाउस का संबंध सर्विस से है, तो आदमी का सारा फोकस सर्विस और मेडिसिन में लग जाता है। सैटर्न आपके टेंथ हाउस को देखता है, टेंथ हाउस हो गया आपका सम्मान का क्षेत्र, टेंथ हाउस हो गया आपकी पहचान, आपकी अथॉरिटी पावर, आपका फेम, तो आदमी का टोटल फोकस अपने फेम की तरफ चला जाता है। इंसान हर टाइम ये सोचता रहता है कि मैं फेमस कैसे हूं, हर वक्त ये सोचता रहता है कि मैं क्या काम करूं जिससे मेरी एक पहचान बन जाए। सैटर्न लगन को देखता है, तो इंसान अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के लिए बहुत परेशान रहता है कि मेरी वो आइडेंटिटी नहीं है, मेरी वो पहचान नहीं है, मैं इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। इसमें एक चीज अच्छी है, अगर जुपिटर या वीनस कहीं से भी आपके फोर्थ हाउस में उनका अगर एस्पेक्ट पड़ता है या उनका अगर असर पड़ता है आपके फोर्थ हाउस में, अगर फोर्थ हाउस में जुपिटर या वीनस बैठे हुए हैं, या मान लो टेंथ हाउस में बैठ के आपके फोर्थ हाउस को देखते हैं, या मान लो आपका वीनस मान लो आपके फोर्थ हाउस में आपके सैटर्न के साथ कंजक्ट करके बैठा हुआ है, या जुपिटर आपके ट्वेल्थ हाउस से फिफ्थ एस्पेक्ट से आपके फोर्थ हाउस को देखता है, या सेवेंथ हाउस से आपके फोर्थ हाउस को देखता है, या एट्थ हाउस से आपके फोर्थ हाउस को देखता है जुपिटर, या जुपिटर सैटर्न के साथ फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, या जुपिटर या वीनस आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ कहीं पर बैठे हुए हैं, या सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस को, सिक्स हाउस को या टेंथ हाउस को देखता है, अगर जुपिटर और वीनस का भी एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस, सिक्स हाउस, टेंथ हाउस में पड़ता है, तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। फिर सैटर्न का जो असर है वो इतना ज्यादा आप फील नहीं कर पाओगे। सैटर्न जितनी बर्डन आपको देना चाहता है इतनी बर्डन आपको नहीं मिलेंगी, बिकॉज जो जुपिटर है उसका जो एस्पेक्ट है वो चीजों को एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे सैटर्न चीजों को फ्रीज कर देता है ना, तो जुपिटर चीजों को एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है। वीनस अगर कहीं देखता है तो वीनस का संबंध प्रॉस्पेरिटी से है, वीनस का संबंध लग्जरी से है, वीनस का संबंध वेल्थ से है, वीनस का संबंध ब्यूटी से है, सैटर्न का संबंध गरीबी से है, सैटर्न का संबंध आपके परेशानियों से है। तो वीनस अगर सैटर्न को देखता है या सैटर्न जहां एस्पेक्ट कर रहा है अगर वीनस भी वहां देख रहा है, तो वीनस अपनी क्वालिटीज उन घरों को दे देता है, तो इसलिए आप सैटर्न के जो मैलेफिक असर से बच पाते हो। सैटर्न एक प्रकार की ग्रेविटी पावर है जो हमें रूल्स में, हमें बाउंड्री में, हमें लिमिटेशन में रहना सिखाती है। हम सारे लोग लिमिटेड हैं, अगर हम टाटा या अंबानी बनना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ बन सकते हैं हम, लेकिन वो एक हमारी अपनी पहचान होगी, हमारी एक अपनी इंडिविजुअलिटी होगी। अगर हम सचिन तेंदुलकर बनना चाहें तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग सचिन तेंदुलकर बन जाएं। हम शाहरुख खान बनना चाहें तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग शाहरुख खान बन जाएं, क्योंकि उन सबका एक अलग अलग स्टेटस है। सचिन अगर चाहें कि मैं अंबानी बन जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सचिन की अपनी एक लिमिटेशन है। तो हर इंसान अपने अपने एरिया में, अपने अपने दायरे में लिमिटेड है। तो सैटर्न हमें अपनी लिमिटेशन को सिखाता है। सैटर्न ये सिखाता है कि जिस कंडीशन में मैंने आपको रखा है, जो ड्यूटी मैंने आपको दी है, वही ड्यूटी आपको फॉलो करनी है। आप इस जगह से, इस एरिया से ना तो बाहर जा सकते हो और ना ही बाहर से आपको कोई हेल्प मिलेगी। ये हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के हिसाब से ये चीजें होती हैं। लेकिन जब हमारी एज 35, 36 को क्रॉस करती है तो सैटर्न का जो मैलेफिक असर होता है वो धीरे धीरे करके घटना शुरू हो जाता है।
सैटर्न जो फोर्थ हाउस में हमारी चीजों को फ्रीज कर रहा था, सैटर्न अगर फोर्थ हाउस में हमारे सुख को डिले कर रहा था, तो अब फोर्थ हाउस की चीजें हमें इजीली प्रोवाइड होनी शुरू हो जाती है। अब हम अगर एफर्ट्स करते हैं तो इतनी परेशानी हमें महसूस नहीं होती। सिक्स्थ हाउस का संबंध कंपटीशन से है, सिक्स्थ हाउस का संबंध आपके जॉब से है, सिक्स्थ हाउस का संबंध आपके डेली के काम से है, तो सिक्स्थ हाउस की चीजों से भी हमें बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। 10th हाउस का संबंध हमारे सम्मान से, हमारी पहचान से है, तो सैटर्न जब आपके 10th हाउस का एस्पेक्ट करता है, तो बहुत से लोगों की कुंडली में आप देखेंगे कि सैटर्न अगर 10th हाउस में है या 10th हाउस को देखता है, तो इंसान को काफी नाम और फेम मिलता है, काफी बड़ी पहचान मिलती है, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद। आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आपको नाम या पहचान मिली। एक्चुअली भगवान हमसे वो चीज दूर ले जाता है जो चीज हमें चाहिए, क्योंकि वो चीज अगर हमें अर्ली एज में मिल जाती है तो लाइफ में हमारे लिए करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, हम बोर हो जाएंगे। इसलिए हर इंसान की लाइफ में से कुछ ना कुछ चीज सैटर्न दूर ले जाता है। तो सैटर्न जो चीज हमसे दूर ले जा रहा है, उस चीज को हमें अपनी मेहनत से, हमें अपनी डेडिकेशन से, हमें अपने एफर्ट से अचीव करना है, जिससे हमारी लाइफ कंप्लीट होती है। तो आज हमने बात करी सैटर्न के बारे में, आगे हम बात करेंगे कि सैटर्न कुंडली के 5th हाउस में क्या काम करता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका सैटर्न आपकी कुंडली में क्या काम करता है, तो आप दिए हुए ईमेल आईडी पर हमें अपनी कंप्लीट डिटेल मेल कर सकते हैं और हमसे अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।